जो आई है तेरी पलके झूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के पाकिस्तान, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? हम तो बड़े थक गए, उस शादियों के गाने गा गा के आवाज बैठ गई है। ऐसे ही होता है हर मेहंदी वाले घर, हर शादी वाले घर में, जब सारे रिश्तेदार, पुप्पी की बेटी, मामी मामी की बेटी, और क्या चाचा की बेटी, खाला की बेटियां, जब सारी बेटियां और बेटे भी सब मिलजुल के हल्ला गुल्ला करते, सारे कजन इतने मस्तियां करते हैं, और कोई जो मजाक का जो लिमिट है वो क्रॉस भी हो जाती है कभी कभी, कोई कुछ नहीं कह रहा होता, सब अपने में मगन होते हैं, मस्तियां हो रही होती हैं, रत जगे हो रहे होते हैं, आंखों के नीचे हल्के पड़े होते हैं, कपड़े कभी अच्छे बन रहे होते हैं, कभी बुरे बन रहे होते हैं, और होता नहीं कि हर रोज नया जोड़ा पहना, ढोलकियों के लिए भी नया जोड़ा बनवाया हुआ होता है, और एक बड़ा जबरदस्त माहौल होता है। तो इसलिए तो शादियों का इंतजार होता है हमें कि जब भी खानदान में शादी आए। अब जैसे मेरे खानदान में रुक गई है शादियां, अब इंतजार है अब अगली शादी किसकी आएगी, वरना लाइन लगी होती है कि अभी इस कजन की शादी हुई, अभी उस कजन की शादी हुई, अब हम सबके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी शादियां अभी हो नहीं सकती, अब इंतजार में है कि अब ये वाली लॉट जो है शुरू होगी, इसकी शादियां होना, फिर हमारा हंगामा शुरू होगा घर में, तब दुआ कर रहे होते हैं। फिर ये भी होता है कि अच्छा फर्ज करें अगर रिश्तेदार बाहर रहते तो बाहर शादी तो सब उधर जा रहे हैं, पाकिस्तान में शादी तो सब इधर आ रहे हैं, सारे बहन भाई सब इकट्ठा हो रहे हैं एक छत के नीचे, और जो गहमा गहमी शोर शराबा होता है ओफ, वो हर पाकिस्तानी मिस करता है, बल्कि स्पेशली जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी रहते हैं ना, वो तलाश करते हैं कि शादियां हो तो वो आए सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि ये जो मजे हैं, ये जो अपनाइत है, ये जो हमारा कल्चर है रंगारंग, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है, और शादी भी, शादी की रौनक भी ज्यादा अच्छी यही सचती है, क्या ख्याल है? मतलब आपको यहाँ पे कपड़े, डांस, खाने, सजावट, रिश्तेदार, हर कोई आपके जो जो आप मयार चाह रहे होते हैं उस हिसाब से मिल जाता है। अब फर्ज करें आप मेहंदी की जो आपकी वो ट्रे होती है वो सस्ते से लेकर महंगे तक हर तरह से मिल जाती है, मगर जब आप बाहर ढूंढते तो आपको वो वाली सस्ती वाली चीज नहीं मिल रही होती, आपको एक सर्टन महंगी चीज ही मिलेगी, और आपका बजट कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है कि नहीं? खाने में आपको सस्ती डिशेज भी मिल जाएंगी, महंगी भी मिल जाएंगी, और आप अपनी जेब में रहते हुए बड़ी शानो शौकत से अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, है ना? और अगर आपके मियाँ की जेब में पैसा कम है तो आप उस कम पैसे में भी जोड़ा सिलवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब मैं आपको बता दूँ, आप वहाँ चले जाएं, बनारस कॉलोनी चले जाएं, लालू खेत चले जाएं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ यानी कि बाहर अगर आप शादी करें अपने बच्चों की तब नहीं मिलती है। अब मैं बात ये कर रही हूँ कि चले शादी ब्याह के जब बात हो रही है तो शादी के बाद एक चीज़ बड़ी लाजमी होती है, और वो क्या होती है? कहते हैं भैया बीवी को एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि भैया बीवी एक दूसरे से बहुत झूठ बोलते हैं। बीवी मियाँ से झूठ क्यों बोलती है? बीवी मियाँ क्यों बोलती है? छोटी छोटी बातों पे, बच्चे का रिजल्ट खराब आ गया या बच्चे की टीचर ने कोई शिकायत की, छुपा रही है। क्यों? क्योंकि सारा इल्जाम उसके ऊपर ही चला जाएगा, तुम नहीं तवज्जो देती, तुम्हारे ऊपर ये है, तुम्हारा कसूर है तुम्हारा, तो वो छुपा रही है कि बच्चे की पिटाई ना हो, एक झूठ तो ही हो गया। फिर औरत दूसरा झूठ क्या बोलती है? मैं बाजार जाना है तो कहेगी हाँ मैके जा रही हूँ, बाजार जाने का नहीं बताएगी, क्योंकि मियाँ कहते तुम हर वक्त बाजार में मेरे पैसे खर्च करती रहती हो, क्या मैंने तुम्हें सौदे लाने के लिए पैसे दिए थे, तुमने बचा बचा के अपनी चीजें बना ली हैं। फिर जो पैसे खर्च हो जाते हैं ना महीना खत्म होने से पहले, फिर उधारें इधर उधर से चल रही होती है, वो झूठ बोलती है कि उधार चुका दूंगी मैं, मियाँ को नहीं बताना, है ना? कोई जेवर किसी से उधार मांग के पहन लेती है तो भी झूठ बोलती है। तो छोटे छोटे झूठ, मैं भी झूठ बोलती हूँ भैया, असर से बड़ी और पकड़ी भी जाती हूँ, छोटे छोटे झूठ बोलती हूँ। हाँ, अभी रस्ते में पता चले ऑफिस में बैठी होती हूँ, तो छोटे छोटे झूठ थोड़े हर कोई बोलता है, लेकिन मर्द हजरात भी कम नहीं होते,
आइए मैंने उनकी पूरी लिस्ट बनाई कि वो क्या क्या झूठ बोलते हैं और वो समझते हैं कि बीवियों को पता नहीं चलेगा कि वो क्या झूठ बोल रहे हैं. अरे बीवियों को सब पता होता है, वो नजर पहचान लेती है, वो चेहरा पढ़ लेती है, क्योंकि मर्द बहुत बुरे झूठे होते हैं, वो फौरन पकड़े जाते हैं. लेकिन वो अवॉइड करती है कि घर में लड़ाई ना हो, इग्नोर करती हैं वो. हाँ हाँ मासूम बन जाती है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रही, वो सच समझने की एक्टिंग करती हैं, मगर वो अवॉइड कर रही थी कि घर में झगड़ा ना हो. पहला झूठ मियाँ क्या बोलता है, मियाँ का झूठ बोलना क्या है? अगर मियाँ का कोई चक्कर चल रहा है, ये नहीं कि वो शादी करने में लगा है, वो भी टाइम पास कर रहा है. हाँ टाइम पास हो रहा है, मैसेजेस पे और लंचेस पे डिनर्स पे टाइम पास हो रहा है. उसका झूठ बीवी फौरन आंखों से पकड़ लेती है, मियाँ जरा सी आंखें इधर उधर करता है ये पकड़ा जाता है. शक भी करती है कुछ, लेकिन कुछ पकड़ भी लेती है, मगर अवॉइड करती है कि चलो लो क्या घर का नहीं वो बुद्धू लौट को सुबह लौट के आए तो क्या कहते हैं, भूला नहीं कहते, शाम का भूला अगर लौट के आए, कोई ऐसी चीज है भाई मुझे नहीं याद आ रही. मैं झूठ क्यों बोलूं, मुझे नहीं आ रही, नहीं याद आ रही. सुबह का भूला अगर शाम में घर वापस आए, या लौट के बुद्धू घर को ही आएगा ना, आना तो यही है ना, तो वो वाली चीज सोच के ना इग्नोर कर देती है. हाँ मैं समझ जाओ, एक्चुअली मेरा स्क्रिप्ट जो है वो कोई मर्द ही लिखता है, तो वो सारी बातें नहीं लिख के देता मुझे, वो थोड़ी थोड़ी बातें लिख के देता है क्योंकि उसको डर लग रहा था उसकी बीवी भी शो देख रही होगी. हाँ अब किसी दिन आपको लगता है कि आपकी मियाँ की चापलूसी कर रहे हैं, एक ओवर बटरिंग हो रही है, बड़ी पतली लग रही हो, हालांकि 3 किलो वजन बढ़ा के आई हूँ, बड़ी पतली लग रही हो, आज के कपड़े तो बड़े अच्छे और जहर लग रहे होते हैं कपड़े कि दुपट्टे से छुपाने पड़ते हैं, सीरियसली. और आपकी मियाँ आपकी तारीफ कर रहे हैं, वैसे जब अच्छी लग रही हो तब तो देखते भी नहीं, आम सा खाना पका दिया, मतलब आज घर में कुछ था नहीं सौदे में तो चलो दाल चावल ये भिंडी पका दी, आम सा खाना, तारीफ हो रही, वाह वाह मेरी बेगम के हाथ में तो जादू है, देखो अपनी बेटियों बेटियों को अपनी माँ से सीखो, तुम्हारी माँ मेहनती, और ये तारीफें चल रही हैं. मियाँ की चापलूसी, कोई चक्कर है भाई, कोई मसला है, समझ जाएं, समझ जाती है खवातीन, मगर भोली बन जाती है, नहीं 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 कुछ भी नहीं. फिर मियाँ की परेशानी, अरे ऑफिस की परेशानी, ऑफिस की टेंशन सारी घर पे निकल रही होती, ये भी बीवी पहचान लेती है. फिर क्या होता है, मियाँ का ऑफिस के काम का बहाना करना, हाँ हाँ मैं जल्दी नहीं आ सकता, देर हो जाएगी मुझे, ऑफिस में बड़ा काम है. जाना कहाँ होता है, जाना कहाँ होता है, दोस्तों के साथ खाना खाने, मर्दों के साथ ही सही लेकिन अपना प्रोग्राम बनाए भाई, साफ बता दो कि दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, हाँ फलाना चाय पराठा खाने जा रहा हूँ, कुछ नहीं बहुत ऑफिस में काम है. नेक्स्ट बहाना क्या होता है, मियाँ का जान बूझ के फोन ना उठाना, सामने बज रहा है, सामने बज रहा है, कोई कजन फोन करेगी फौरन उठा ले, बीवी फोन करे फोन नहीं उठाना, हाँ साइलेंट पे था, चार्ज पे लगा था, मुझे तो यही बहाने मिलते हैं, बाथरूम में चार्ज पे लगाने की क्या जरूरत है, यहाँ लगा लो जहाँ बैठे हो सामने. मैं तो जब फोन करती हूँ और नहीं उठाया जाता तो मुझे ये कहते बाथरूम में चार्ज पे लगा था, अरे यार बाथरूम में एक एक प्लग है, कमरे में 4 प्लग है, तुम कमरे में जब बैठे हो तो कमरे में लगा लो, बाथरूम में लगाने की तुक क्या है, मुझे समझ नहीं आती. बहाना इग्नोर, फोन नहीं उठाना बीवी का, शादी से पहले यकीन माने एक बेल नहीं जाती थी, बेल बजे बगैर फोन उठ गया, क्या फोन पे ही बैठे रहते हो हर वक्त, ठक फोन उठ गया, तो सब पता है हमें, हाँ हस्बैंड भाई दूल्हा भाई जो देख रहे हैं सब पता है, आप लोगों को सब पता है, इग्नोर करते हैं हम, घर में लड़ाई ना हो झगड़ा ना हो, क्योंकि झगड़ा करना तो आप शुरू करते हैं ना, हम थोड़ी हम तो अवॉइड करते हैं, क्यों भाई क्या ख्याल है आपका, झगड़ा क्यों शुरू होता है बताएं, घर में झगड़ा क्यों शुरू होता है, माइक दे इनको, मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट गॉसिप करनी है अभी, तुम लोग के मियाँ सो रहे होंगे ऑफिस में होंगे, माइक उठाओ, माइक है आप लोगों के पास कि मैं आपको ला के दूँ, हाँ छुपा के रखा, हाँ 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 लड़ाई क्यों झगड़ा क्यों होता है, क्या करते हैं मियाँ ऐसे काम, हमारा दिल क्यों जलाते हैं, काम ऐसे क्या करते हैं बस के ऑफिस से आए तो मूड खराब है, हाँ आप पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ, नहीं कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ तो हुआ है जो मूड खराब, मतलब अजीब सा हो रहा है, आपको बता दें क्या मसला है,
नहीं कुछ नहीं हुआ, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर लड़ना शुरू हो जाते हैं, तो कुछ हुआ था तो जब भी तो लड़ रहे हैं ना, अब वहाँ की टेंशन घर में उतरती है। अच्छा फिर उस वक्त करना क्या चाहिए, बीवियों को क्या करना चाहिए जब उनको पता है कि ऑफिस की टेंशन वो घर पे उतार है, तो सर बीवियों को क्या करना चाहिए आप बताएं? मैं तो ये करती हूँ कि घर की टेंशन फिर उनको उतार देती हूँ। गुड वन, यानी कि पहला जवाब तो हमें मिल गया, अगर मियाँ ऑफिस की टेंशन घर पे उतार रहे हैं तो बीवियों को घर की टेंशन ऑफिस के मियाँ पे उतारनी चाहिए। हाँ, और इसका मतलब आपकी कथार्स भी निकल जाएगा। दूसरी टिप। हाँ भाई, और क्यों लड़ते हैं मियाँ? मैं नहीं जा रही ब्रेक पे, सॉरी, कमर्शियल ड्रॉप करें, मेरी खवातीन मुझसे बात करना चाह रही है। हाँ हाँ, और क्यों लड़ते हैं? जब ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। क्यों आता है गुस्सा? घर की सफाई नहीं हुई होती, मियाँ बीवी तैयार नहीं होती, क्या चक्कर होता है? यानी कि वो मर्दों का काम यही होता है कि औरतों को यानी कि टॉर्चर करना और यानी कि देर से आना, उनको अच्छा लगता है जलाना किलसाने में, उनको मजा आता है। ऐसे मर मर के हमसे शादी करते फिर हमें क्यों जलाते हैं? बताएं जरा, है बरी में पता नहीं क्या क्या लाके दे रहे होते हैं, बड़े फोनों पे गप्पे मार रहे होते हैं, उसके बाद तुम आ जाओगी तो ये होगा, हाँ, ये होगा। तुम आ जाओगी तो मैं, सच बात बतानी चाहिए, तुम आ जाओगी तो मैं तुम्हें खूब जलाऊंगा तपाऊंगा, तुम्हारा खूबसूरत चेहरा, प्यारा सा चांद जैसा चेहरा जो है ना, उसको जला कुड़ा के काला कलूटा कर दूंगा, ये बोलना चाहिए। बड़ी तपी हुई आज मैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक ब्रेक के बाद आइए और दिल की फफोले एक साथ मिलकर फोड़ते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ बिलाल है, हमारे साथ अंबर है, रमचा है, सुंदर है, और बड़े दिनों बाद हमारे साथ कौन आ गई है वापस? कौन आ गई है? साइमा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बड़ी खुशी हो रही है, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है साइमा आपसे, बिलाल और रमशा आपसे कभी बहुत मुलाकात हुई थी। और माशाल्लाह मैं ये कह रही हूँ, मुझसे लोग कहते हैं यार तुम लोग की हिम्मत है, सुबह सुबह तैयार, लोग कहते हैं शाम में शादी ब्याह में जाने से कतरा रहे होते हैं, लेकिन आप लोग की खातिर कितना तैयार होते हैं। और हमें दिल लगी है ना इस शो से, इसलिए हम उठ के आ जाते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ इकरा है और मारिया भी है, आ जाए भाई, तैयार हो रही है। ऐसा ही होता है मेहंदी में, खास तौर पे मेहंदी निकल रही होती है, मेहंदी लेके निकल रहे होते हैं और यहाँ तैयारी नहीं कंप्लीट हुई भी होती, किसी का झुमका नहीं मिल रहा होता, किसी का काजल फैल जाता है, किसी का मेकअप उतर जाता है, क्या क्या एक्सपीरियंस है। अच्छा, क्यों होता है ऐसा? चाहे कितना ही आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लो, कुछ होता जरूर है यार, सब एक साथ होते ना घर में। ऐसे में आप लोग का झुमका टूट जाए तब क्या करते हैं? हाँ जी, सब समय के आ गए, सब मेहंदी के, देखो ना मेहंदी के लिए। अच्छा तो हम, मैंने सवाल ये किया था क्यों लेट होते हैं मेहंदी लेकर, खास तौर पे जब जा रहे होते हैं, ठीक है चाहे लड़के वाले हो चाहे लड़की वाले हो, तो लेट होते हैं। अब सब मुझे अपनी अपनी खानदानी वजूहात दें, भाई आपके खानदान में क्यों लेट होते हैं? हाँ भाई, सुंदर तुम बताओ। खानदान में इसलिए लेट होते हैं क्योंकि मेहंदी मैंने सबने थीम ऑर्गेनाइज की हुई होती है, सबने ऐसा करना है, अब वो मेकअप भी सब सोचे होते हैं, बाल भी एक जैसे बन जाए, वो वाली चीज होती है। और अक्सर मेहंदी पर ये होता है आपने बहुत सारी चीजें ली हुई होती है कि ये भी पहनना ये भी पहनना है, और फिर शादी के बाद याद आता है अरे ये तो पहनना, उसके लिए होना चाहिए जो कपड़े पहन ले उसकी ज्वेलरी उसके जूते वूते सब पहले से बाहर एक साथ। अभी मेरी कजन की शादी हुई थी तो अम्मी ने मुझसे एक दिन पहले कपड़े प्रेस करवाए, उन्होंने कहा चपने वगैरह सारी चीजें तुम बताओ। होता है कि सब चीजें हम लोग पहले से ही प्रेस वगैरह सब कुछ निकाल के पहले से ही करके रख लेते हैं तो भूलते हैं। और मेहंदी का सीन ये होता है इसलिए लेट हो जाता है, बाज़ात इंसान के जोरों शोर से तैयारियां चल रही होती हैं, घर के अंदर हर किसी के, किसी को कपड़े मैचिंग के पहनने हैं, किसी ने डांस करना है, किसी ने ये, और हर कोई अपनी प्रिपरेशन में लगा ही रहता है, तो बस इसलिए तैयारी में ही इंसान का आधा वक्त निकल जाता है। हां बिल्कुल, तुम बताओ भाई। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, हां इकरा भी कैसी झूमर नहीं लग रहा था, झूमर देर से लगा। हमारे घर में सब लेट इसलिए होते क्योंकि सारा मतलब मेहंदी की तो प्रैक्टिस चल रही होती है ना, मेडले की, डांस की, तो सुबह से लेकर रात तक, फिर देर उठ से उठना, उसके बाद फिर प्रैक्टिस चल रही होती है, तो उस प्रैक्टिस के चक्कर में पार्लर जाने के लिए तैयार होने में देर हो जाती है, या फिर खुद भी घर में मेकअप करने में देर हो जाती है। इसमें मेन होता है या कुछ ट्रैफिक में फंस जाओ, गड़बड़ हो जाती है, इसको भी तैयार, एक शीशा होता है, क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़
गाड़ी के शीशे तक आप लोग की तैयारी खत्म नहीं। अच्छा सुनो, अगर तैयार भी हो जाए ना तो जो रिश्तेदार है ना वो भी देर से आ रहे हो, सब लोग आ जाए। अच्छा बाज़ोका तो होता है आप तैयार होते हैं लेकिन आज सामने रखे इतनी जरूरी मतलब हमारे रिश्तेदार नहीं, हम तैयार नहीं है, बैठे रहते हैं। और एक शीशा होता है, एक शीशे को सब तैयार होता है, लाइनअप नहीं लग रहा है, मुझे जाना है, मुझे पहले तैयार हो रहा है, मुझे जाना है, ऐसा कुछ भी कह लो। शादी क्या क्या होता है भाई? हमारे यहाँ तो बड़ी का एक सिलसिला होता है कि बड़ी जो है लेके जानी होती है दूल्हे वाले की, तो वो अम्मा के कपड़े हैं, जोड़े हैं, बहन के जोड़े। तुम लोग के लेट क्यों होते हैं? लेट इसीलिए होता है कि बस कोई चीज रह ना जाए, जो देने वाली है ना वो चीज ना रहे, जब प्लस ये कि लड़कियां ज्यादा है, तो जब लड़कियां ज्यादा जिस खानदान में ज्यादा होती है तो वो लड़के कॉम्पिटिशन में आते हैं, तो वो शीशे से हटेंगे लड़के तो लड़कियाँ। अच्छा मजे की बात ये होती है लड़कियों को कोई इंटरेस्ट नहीं है मेहंदी की, क्या वो होती है क्या कहते हैं उसे, रसूमात होती है, कोई इंटरेस्ट नहीं उनको, सिर्फ इंटरेस्ट होता है यहाँ गाना लगे और डांस एक जैसा होना चाहिए यार। कॉम्पिटिशन में जीतना तो लाजमी होता है और वो जंग बना लेते हैं, जिसने स्पेशली जिस कजन ने सिखाया होता है ना डांस वो गुस्सा करी होती है, वन टू सही करो अपना करते करते सही करो तुम सही नहीं कर रहे हो, वीडियोस में नजर आता है कौन आगे बता रहा है, सबको देख रहे होते हैं कि सामने फोकस क्या है या फेशियल एक्सप्रेशंस देना है, सारे गुस्सों के गलत स्टेप तो नहीं हो गया, और एक ना गलत हो जाता है हो जाता है। देखे गए कि अंबर हमेशा डांस खराब करती है, इसको जब मेरी बेटी की मम्मी थी ना दोस्त में ढोलकी, अब वो तो मैडम मुझे इतने काम थे, मैं कह यार तुमने एक दिन में तुमने डांस सिखाई, किरण आ गई दो एक घंटे के लिए, मैं कह यार मैं फ्री स्टाइल कर लेती हूँ जो मुझे छोड़ दो मेरे उस पे, लेकिन स्टेप्स के साथ और वो चार गानों का मेडले, मैंने कहा यार एक दिन में मैं कैसे सीखूंगी, फिर भी कही कर लेना कर लेना करो ना करो ना, मैं कहा किरण तो मरवाओगी उसमें, जाहिर सी बात है मैं एकदम दिमाग में इतने काम, उस दिन तो इतना स्ट्रेस था, मैंने डांस कर लिया, मैं कोई बात नहीं जैसा भी एक्सप्रेशन देते रहो उससे बचा लिया एक्सप्रेशन से। आप कहें कि फ्री स्टाइल सही रहता है, फ्री स्टाइल सही रहता है कि याद हो याद नहीं हो तो कोई, अच्छा क्योंकि आप अपने स्टाइल से करते हैं, दूसरा अलग तेज कर रहे हैं तो आप लगता है हो जाते हैं। ये भी होता है कि अगर चार लड़कियां लुड्डी डाल रही हैं ना तो दो जिसमें से अच्छा कर रही हैं तो वो क्या करती हैं, जो बेकार कर रही होती है उनके आगे आकर अच्छा मैं जैसे किसी मेहंदी में गई हूँ ना और दिल भर के बुरे मेडले बने हुए बोरिया तोरिया खाना नहीं लगा रहे सारे खानदान वाले, नहीं मेरी बारी और दो दो चार चार डांस यार कुछ अच्छा तो हो, अच्छा मैं देखने वाले को मजा तो आए, वो शायद जिंदगी में पहली दफा हिल रहे होते हैं, होना ही चाहिए जिनको डांस नहीं आता तो ना करो, मजा नहीं आता बस थोड़ा सा होना चाहिए कसम से, हम लोग कभी भी भूख लगना शुरू होती है क्यों नहीं खाना लग रहा होता है, क्यों नहीं खाना लग रहा है, ये क्यों नहीं, एक्साइटमेंट होती है, अच्छा चलो देखें घर की बच्चियां हैं प्यारा सा डांस तैयार किया होगा अच्छा डिसेंट सा, लेकिन भाई वो ऐसा होता है लकड़ी की फॉरवर्ड और स्टेप बैक, एक ये बहुत कॉमन होता है और ये वाला ना बालों को घुमाना वाला बहुत स्टेप, ये क्या स्टेप है, एक बहुत बुरा डांस देखा है जो मेहंदी अटेंड की मेरी बेटी, जबरदस्ती नजदीक की रही मेरी बेटी की दोस्त की फैमिली में थी और मेरी बेटी ने भी फिर मेडले तैयार किया तो माँ तो देखने गई ना, अच्छा बच्चों को जबरदस्ती कहना पड़ता है, नहीं बहुत मेरी बेटी ने भी इतना बुरा किया, मैंने कहा ये तुमने क्या किया, तुम ये एक डेढ़ हफ्ते तक प्रैक्टिस के लिए जाती रही तुमने क्या किया, ये डंडियों की तरह डांस किया तुम लोगों ने, दरख्त नाच रहे थे ऐसा लग रहा था, तो जब निदा भी सुबह सुबह मॉर्निंग शो या कैमरा एक होता है ना
अब ऑन एयर मेरे साथ तो टेंशन नहीं होता, मुझे टेंशन अब टेंशन होता है घर में ससुराल वालों की दावत है, दावत पे आ रहे हैं, ओके अब नाच गया माशाल्लाह, इसकी टेंशन नहीं होती, मेरा रोज का काम है तो सब्जी भाजी लेने जाना है, इसकी टेंशन माशाल्लाह टीम अच्छी है ना, तो टेंशन नहीं, और पब्लिक भी अच्छी है, माफ कर देती है अगर मैं फंबल करती हूँ, अभी देखो मुझे क्या सुबह का भूला कर शाम को घर आए तो भूला नहीं कहते, मैंने ये बोल रहा था पता नहीं कहाँ कहाँ की क्या क्या की जो पब्लिक है ना आवाम वो हम सबसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो उनको हर चीज हमारी अच्छी लगती है, हाँ पता नहीं भाई अपने लोग तो नफरत भी करते हैं, नहीं इसका अंदाज़ा मेरे कजन तो मुझे बोलते हैं तुम करती क्या हो, तुम कितनी बौनियां मारती हो तुम क्या, मैंने कहा तुम लोग कभी कभी तो तुम लोग अच्छी बात कर लिया करो, मेरे लिए कर लिया करो यार, कजन तो घर की मुर्गी दाल भरा छेड़ने का मौका कैसे मिले, तो ये सारी बातें जो हम इस वक्त करेंगे सारी मेहंदियों में हो रही होती है, एक दूसरे को कजन से एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं, कभी ये जो तारीफ कर दे क्या लग रही हो यार क्या मेकअप करा के, और स्पेशली कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना, टू मच है मेकअप, दुल्हन की जगह तुम बैठ जाओ, दुल्हन की जगह बैठ जाओ, वो करता है जिससे दूसरे को कॉम्प्लेक्स में डाल देता है, लग रही है खानदानों में होता है, खानदानों में होता है, लेकिन ज्यादातर तो मेरे मियां इतने डिटेल में मुझे देख लेते हैं कि अगर मैं कभी रेड लिपस्टिक लगा रहा हूं मुझ पे सूट नहीं कर रहे, कैसे तो बुरा कॉम्प्लीमेंट मेरे आता है, कहते हैं किसके फेफड़े चूस के आई हो, रेड लिपस्टिक मियां को अपनी बीवियों पे नहीं अच्छी लगती, दूसरों पे अगर कोई सामान लगाई होगी ना तो देखना वही पैसे लाके बड़ी अच्छी लगती, बता रही हूँ अपनी बेगमात में उनको लाल रंग नहीं अच्छा लगता हमेशा, हर मैंने ये देखा अपने हल्का सा, मेरे मियां लोग कहते हैं मेकअप ही नहीं करके जाओ, लोग ज्यादा देखे अच्छा मेकअप ही नहीं करके जाओ, अभी इतने हल्के कौन छुपाएगा बहन, वो तो छुपाने पड़ेंगे, डिपेंड करता है कपड़ों पे मूड पे ओकेजन पे, कभी आपका दिल चाहता है कुछ मेकअप ना करो सिंपल, कभी होता है दिल चाह रहा करो, ये आपके मूड पे बहुत डिपेंड करता है, ये तो है। तो क्या ख्याल है दुल्हा दुल्हन को बुलाते हैं आज, अच्छा आज लड़के की मेहंदी है एक्चुअली, यहाँ पे आज लड़के की मेहंदी है और हम आपको कुछ मस्तियाँ कुछ रसूमात ऐसी बताएंगे जो आप लड़के की मेहंदी में कर सकते हैं, कल हमने लड़की की मेहंदी की थी बड़ी खूबसूरत हमारे पास दुल्हन थी, आज हमारे पास जो दुल्हा दुल्हन है आइए देखते हैं कि वो पिटारे में से कौन से दुल्हा दुल्हन निकलते हैं, हर रोज पिटारा खुल गया, तो आपको आइडियाज भी मिलेंगे कि किस तरह एंट्रीज होनी चाहिए, सोचे कितने आइडियाज हम सोच चुके हैं, मतलब सौ शादियां तो करा चुके हैं, मैंने तो सारे आइडियाज हमेशा तारीफ करती हूँ, हाँ आइए जी, जब थाल थाल वगैरह सबको लेने पड़ेंगे, डालिया रख देते हैं थाल थाल उठा लेते हैं, हम सब थाल अच्छा लग रहा है निदा है ना, देखिए एक्चुअली एक्सेलेंट इस आइडिया के पीछे ये थीम है कि जब दुल्हा दुल्हन एक दूसरे से बंधन में बंधने जा रहे होते हैं तो एक पिंजरा होता है, अब आप लोगों के ऊपर है कि उसको सोने का पिंजरा बनाए, आप लोगों के ऊपर है कि उसको कांटों का पिंजरा बनाए या उसके फूलों का पिंजरा बना दे, तो लेकिन होता पिंजरा है, दोनों को एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, और ये इस थीम को मद्देनजर रखते हुए आओ भाई वेरी नाइस, वो तुम लोग खा लो ना ताकि पूरा एक आइडिया लोगों को पता चले, चलो लड़के तुम भी उठा सकते हो कोई मसला नहीं, क्योंकि मेहंदी है लड़के की तो लड़के लड़कियां सब मिलकर सारे थाल उठा ले, जब ये पूरे सेट हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत आइडिया है जिसे आप अपने घरों में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अमेजिंग, हाँ जी अब जरा सेट हो जाए सब जल्दी जल्दी से, तो धीरे धीरे पैनिंग शुरू करें ताकि मैं आपको दिखा सकूं, ताकि मैं आपको रेडी हो, लाओ एक बड़ा वाला थाल भी, क्या लेकर आओगी, इनके साथ आ रही, अच्छा बचा नहीं तुम्हारे लिए थाल, चलो भाई रेडी हो, हाँ भाई रेडी गेट सेट एंड गो, देखिए
दूल्हा दुल्हन को तो निकालें हटाएं कह रहे हैं। आप थाल देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे आइडिया हैं। ये देखिए आप इस तरह इस खूबसूरत ऐसे पिंजरे के साथ जिसमें दूल्हा दुल्हन को एक साथ आपने बिठाया हुआ है। अक्सर माइयों पे निकाह हो जाता है। हमारे पास हमारे साथ फौजान खान और हमारे साथ अरोहा खान हैं। वाह वाह दोनों खान ऐसे पिंजरे से निकलने का किस्सा दिखता है। और हम इसीलिए जगह बनाते हैं क्योंकि हमने थाल यहाँ रख दिए थे तो हम जरा ये थाल पीछे रखते हैं टेबल पर और उसके बाद फिर इन लोगों को। और बेस्ट इसमें इतना अच्छा है के अमूमन जो दिए होता है उसे बाल बाल कपड़े ना जले। हाँ, अब ये देखिए ना दिए बजाय इसके आप ये आजकल इस तरह की कैंडल्स आ गई वो भी आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बाल अक्सर बाल जल जाते हैं। बुझ जाती थी। बहुत अच्छा आइडिया। दुल्हा दुल्हन बेचारों को तो हम कुंडी खोल के जेल से निकालें। हाँ भैया ऐसे ही खोलेगा ना ये हमारी आज की दुल्हन भी वाजिद खान ने तैयार किया और आप इनका मेकअप देख सकते भले हरा हरा आई शैडो लगा है लेकिन इसकी खूबसूरत लग रही है। प्यारा कलर है प्यारा कलर है बहुत। और आप सोचिए आजकल शिमर शिमर हर कोई लगा रहा होता है लेकिन ये बहुत अगर आप मैट देख रहे हैं तो आप शक्ल कितनी हसीन और खूबसूरत लग रही है इस मेकअप से। जबरदस्त एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ अरोहा की आंखों पे तुमने ग्रीन कलर का मेकअप किया है ठीक है। और भी ग्रीन कलर का मेकअप करना आसान बात तो ये बच्चे का खेल नहीं है। ग्रीन कलर के मेकअप को बड़ा संभालना पड़ता है। तुमने क्या ऐसा इसमें यूज किया है कि वो उसकी चेहरा जो है वो ग्लो कर रहा है वो डल नहीं हो रहा। अच्छा क्या है कि हमेशा से हम बेस जो है मेकअप की जो फाउंडेशन होती है वो कम लगाते हैं। हाँ। और ग्रीन कलर को जितना आप लेस रखते हैं उतना ज्यादा अच्छा। अगर उसको किसी और कलर के साथ ब्लेंड करें तो वो ज्यादा अच्छा एनहेंस हो जाता है। तो तुमने किस कलर के साथ ब्लेंड किया? पिंक के साथ किया है। डेप्थ आ गई है उसमें एंड थिक लाइनर लगा के उसको कॉर्नर से ब्लेंड किया है। थिक लैशेज लगाए हैं व्हाइट पेंसिल दिया है सर लगाई सारी चीजें हैं लेकिन कम क्वांटिटी में तो इसी वजह से वो चिपो चिपो नहीं लग रहा है। तो एक जमाने हमारी अम्मिया जब वो ग्रीन आई शेडो लगा के बैठी थी तो वो और पुराने फिर रोजी कलर और ये सारे कलर लगते थे एक जमाने में। अब ये दोबारा नहीं था अब तो आजकल फैशन में बल्कि कलर्स बहुत सारे कलर हो गया ग्रीन हो गया। अब तो सैलून पे जितनी भी ब्राइड बन रही है हमारे सैलून पे वी यूज फ्रोजी वी यूज ग्रीन वी यूज पर्पल हम सारे कलर बिल्कुल। लेकिन इन कलर को क्या है लगाने का क्या तरीका जितना आप कम लगाएंगे उतने ज्यादा अच्छा। अच्छा जी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद यहाँ बहुत सारा हंगामा हल्ला गुल्ला होगा। जब आप सोचिए वाजिद खान होंगे तो वो और दूसरी तरफ अंबर होंगी तो और बिलाल भी होंगे और रमचा भी होंगी साइमा भी होंगी और सुंदर होंगी इकरा होंगी और मैं भी होंगी मारिया भी होंगी तो फिर हल्ला गुल्ला तो होना ही है ना। तो छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ सुबह सुबह खुशगवार बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गाना बहुत अच्छा है। गाना बहुत अच्छा और ये बीट ऐसी होती है ना आप सोच रहे हैं एक अंकल आपके हैं ठीक है जो हमेशा ही आपको डांटते क्या है शोर कर रहे हो उस गाने में वो भी हिल रहे होते वो भी अंकल हिल रहे हैं ना मेहंदियों में। ओके तो अब बारी है हम लोगों की और ग्रुप बना लेते हैं। एक तरफ है वाजिद की एक तरफ है अंबर की ठीक है। अंबर तुम्हारे साथ इकरा है सुंदर से रमशा है और वाजिद के साथ साइमा है बिलाल है और मारिया है ठीक है सही है सही है। दो लड़के एक तरफ नहीं हो सकते। नहीं भाई एक लड़की तुम लोग एक रहा तुम उधर जाओ बिलाल तुम उधर जाओ चलो भाई दोनों तरफ बराबर बराबर हिसाब होगा। और अब होगा हमने कल किया था गानों का मुकाबला अब होगा डांस का मुकाबला। देखते हैं कि कौन किसको हरा पाता है। तो आप लोग हो गए लड़के वाले और हम लोग हो गए लड़की वाले। यहाँ अरोहा की तरफ है आप फरजान की तरफ। हम लोग लड़की वाले क्या हम लोग लड़की वाले नहीं ना उल्टा हम लोग लड़की वाले नहीं तुम लोग लड़के वाले कल तुम लड़की वाले थे हम लोग तो चेंज करो वैरायटी लड़की वाले चलो डाले पहले चीटिंग करते हैं
कह रहे हैं हमने मेकअप किया है ना तो हम लड़की वाले हैं, ठीक है तुम लोग लड़की वाले हो तो हम सही तो फरसान तुम्हारी तरफ आते हैं, ठीक है फरसान से कर, कोई नहीं हमारे पास बहुत अच्छा डांसर है डन है ओके जी। और फरसान तुम्हें भी आता है डांस भाई लड़के आ जाएगी ओके जी पहला गाना कौन आएगा पहला गाना पहला गाना ड्रामा है हमारे डीजे के पास है, डीजे जरा गाना चेंज करो, बेबी को फेस पसंद है, आप क्या कहते हैं स्वीटी तेरा गाना क्या है स्वीटी तेरा भाई सब अपने अपने गाने पहले ही बता दो ताकि हम सेटलमेंट हो जाए। हाँ भाई सब सोच के रख लो अपने अपने गाने, धमाका कर दिया सबसे पहले हमें बुला लिया, सही है ना ऐसे ही होता है मेहंदी में ऐसे होता है वैसे होना ये चाहिए, दो गाने उठ जाने तो बैठते ही नहीं है, उठ जाते तो बैठते नहीं बैठाना हाँ भाई गाना मिला अच्छा भाई कर ले ओके जी रेडी गेट सेट अब ये लड़की वाले मैदान में उतरे हैं, मुझे नहीं आता इस गाने से करने अल्लाह चल मेरे साथ ओह गॉड लड़की
आपकी एक दूसरे को डांस के अंदर धक्का दे रहे हैं ये लोग, ये कंपटीशन तो आपस में होता बात नहीं करें डांस का असल में आपको डांस का पता नहीं ना आपकी गलती रही है चले भाई लड़की वालों अब देखिएगा क्या हम लोग ये लड़कियों का जलवा है भाई ओह माय गॉड देखिए भाई अब्रप्टली गाने लग रहे हैं किसी को अच्छा अच्छा लगा दे आप ताकि बच्चियों को पसंद आ जाए जी क्या 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 नहीं आ रही इकरा और आर्या आ रहे हैं नहीं अभी हम आपको मौका देंगे किसी और लड़की के साथ करने का डांस क्योंकि अभी भाई दुल्हन नहीं कर सकते भाई दुल्हन नहीं करती है डांस हमारे घरों में नहीं करती हमारी आप साली के साथ आ गए साइमा तो खैर बहुत अच्छा डांस करती है यू डांस सो वेल वाजिद तो तू भी गिद्दा पाले चल रंग जमा दे हम के बने सभी मत वाले कौन से जमाने का डीजे है कोई नया गाना लगाए बीट वाला जो हमारे बच्चों को अच्छा लगे जरा डीजे भाई नए नए गाने लगाए
होती है तो सारे खानदान वाले एक साथ जमा होते हैं, तो सारे खानदान वाले जब एक साथ जमा होते हैं तो उनको और ज्यादा हैपनिंग, ये आपका इवेंट हैपनिंग बनाने के लिए मैं आपको बहुत मजे मजे की चीजें बता रही हूँ. पहला हमने जो मुकाबला कराया वो डांस का था, वो हर घर में होता है, आम मुकाबला है वो. अब जो दूसरा मुकाबला हो रहा है वाजिद की टीम यानी के लड़के और लड़की की टीम के बीच में, वो ये है कि यहाँ रखे हुए लीबू, ठीक है, दोनों टीम्स यहाँ आके खड़ी हो जाए, एक तरफ अंबर की टीम एक तरफ वाजिद की टीम, यहाँ आके खड़ी हो, हाँ लीबू के पास या यहाँ पे आके खड़ी हो जाए दोनों टीम. अब होगा ये कि मैं घुमाऊंगी ये व्हीलर, जहां भी जिस अल्फाबेट पे भी ये व्हीलर रुकेगा उससे जिसको भी गाना आता होगा उस टीम ने सबसे पहले लीमू चाटना, यानी आपका जो बजर है वो लीमू है. अच्छा, और किसी के एक ने चाटना होगा वही गाना गाएगा. नहीं नहीं, मतलब टीम में से कोई एक चाट ले. फॉर एग्जांपल इकरा को गाने नहीं आते, इकरा ने से लीमू चाट लिया तो वाजिद शुरू हो जाएगा, या अंबर को गाने नहीं आते तो बिलाल शुरू हो जाएगा. अच्छा, नॉट अ बैड आइडिया. अच्छा अच्छा आइडिया, आप एक काम करते हैं बल्कि दूर नहीं रखते, ये थाल मैं पकड़ के खड़ी हो जाऊँ. वाजिद के आइडिया के लिए तालियां. क्या है? अच्छा रुके, मैं ऐसा करती हूँ. कोई टाइमिंग थोड़ी है, ये चाहिए माइक निकालो. इतना सही है, बराबर दोनों के सही है. ये लो, हाँ भी मेरे कैमरे में भी आ रहा है. नो टाइम लिमिट. ओके ओके, रेडी है आप लोग? रेडी है, रेडी. बजर आपका लीमू है, लीमू चाट के और उसके बाद गाना शुरू करना है. उससे पहले वाला पॉइंट नहीं, अगर गाना आता है तो लीमू नहीं चाटना ना. नहीं नहीं, गाना आता है तभी तो लीमू चाट के बोलोगे कि ओके डन. बजर आपका लीमू है, गानों से पहले नींबू चाटना जरूरी है. सबको एक और बता दूं मैं, जर्मन में बताओ, जर्मन में गाना नहीं आए तो नींबू नहीं चाटे. नहीं तो माइक का है, माइक हमारा ये हाथ में. अच्छा ओके, रेडी भाई, शुरू हो जाए. टीवी हम लाइव जा रहे हैं, हमारे घर का फंक्शन है. ओके जी, रेडी, गेट सेट, गो. अभी नहीं, पहले रुकने, चक्कर रुकने का वेट करें. जो गाना गाएगा नहीं मुझे. ओके, दो चश्मी है. चलो बस हो गया, ये गलत, आपका पॉइंट माइनस हो गया. पीछे हो, पीछे तो कैमरे के आगे हवा नहीं था वो, ये वाली हलवे वो वाली है. आप बता दें, चले ये आप बता दें, आपने गेम बनाया वो यही होगा. कैमरा नहीं चाटना, नींबू खामोश. हम कहते हैं कोई बात नहीं है, कोई भी हो सही है गाना, लेकिन यार सुन लो, नहीं नहीं भलाई का जमाना ही नहीं है भाई. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि दोनों टीम में से कौन पहले जाएगा. आई थॉट वन बाय वन है. नहीं भाई, मैंने बोला बजर के बजाय. अच्छा एक एक बात बताऊं, जब तुम लोग कैमरे के आगे जाते हो तुम लोगों के मुंह इतने बड़े बड़े आते हैं. बस ठीक है ठीक है ठीक है, डन है, मान लिया. रेडी, गेट सेट, मेरा शो खराब. ठीक है तो जल्दी करो. क्या नहीं है? ओके, रुकने दो रुकने दो. रुकने के बाद गए, रुकने के बाद
रुकने के बाद गए. वो सोचता क्या करता है, वो सिर्फ देखता है अल्फाबेट और नींबू चाटता है, उसके बाद सोचता है नींबू चाटते हुए सोचता है गाना क्या है. ये पीछे 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 चले भाई. रेडी गेट दैट नेक्स्ट दो चश्मी हे को हलवे वाला हे बना दिया. हाँ तो लेकिन चाटा किसने था पहले ये पूछा. हलवे वाला भी नहीं हवा वाला है. नींबू किसने चाटा था पहले. अभी तक चाटा था. 3-1. हाँ भाई तुम जीत गए भाई, तुम जीत गए. मैं तो नहीं खेल रहा ये गेम. नींबू चाटा कैसे. दरअसल वाजिद ने नया नया गाना सीखा है, वो शौक खत्म नहीं हुआ. तुमने क्यों निकल के आ रहा है. पहले वक्त लीमू मैंने उठा के रख लिया था हाथ में और मैंने ओवरलैपिंग हो रही है ऑडियंस को. मुझे फोन आया है कुछ ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा. पीछे हो जाए, आप लोग खुद एंजॉय कर रहे हैं. हाँ ठीक है, रेडी आप लोग. वाजिद के हाथ चेक कर ले, वाजिद की जेबें चेक कर ले. हाथ चेक करा है ना वो वाला. ये लेमन वो वाला चेक करा. नहीं नहीं ये चेक करा है, ये चेक करा है. आप चेक करा है, देख लो आप. देख लो ले, देख ले भाई, देख ले भरोसा करना सीखो ना. रेडी रेडी देखते हैं अब बेईमानी के बगैर कौन से. मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं बढ़ा सकूँ इसको. अगर आप नींद से अच्छी गाँव से गुड़िया जीन से जापानी गाना है ये. ओके जी नेक्स्ट नेक्स्ट अमर देखो ना इधर. ओके रेडी गेट सेट गो. भागो भागो. ये क्या करे लड़की वाले. बिलाल क्या करता है, लीमू चाट. मैंने बाल चाट लिया और गाना नहीं गाता भाई. लीमू चाटने का मुकाबला थोड़ी है, गाना गाने का मुकाबला है. तुम अंडर स्ट्रेस क्यों हो गए हो. अच्छा लड़की वाले भी लड़की वालों के चाटे उड़ गए. लड़की अच्छी गांव से गुड़िया जीन से
अच्छा भाई लास्ट ट्राई है, लास्ट ट्राई को चक्का है, फिर गाना भी गाना है। कितने चांस देंगी? बहुत चांस दिए मैंने, आखिरी चांस है। दो नंबर तो आ जाए, दो नंबर, दो नंबर। सोचिए ये अभी एक्टिविटीज में, गेम्स में इतना लड़ाइयां हो रही है, उंगली पकड़ा में बेचारी की उंगली टूटी ना जाए। भाई फर्स्ट एड का सामान रखे जरा, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते हैं कि लड़के की उंगली पकड़ाई की जो रस्म है उसकी क्या नई टेक्निक हमने निकाली है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेरी गुड वेरी गुड। भाई हर मेहंदी में, खासतौर पर जब लड़के की मेहंदी होती है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उंगली पकड़ाई ना हो। और यहाँ हमारे हम फैजान के साथ अब उंगली पकड़ाई करने वाले हैं, लेकिन उंगली पकड़ाई एक मुख्तलिफ तरीके से होगी। वो ये कि ये तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये अच्छा उंगली ना तोड़ दे। ये देखिए आप अपनी उंगली प्लीज दीजिएगा। हाँ, ये हमने इसको उंगली को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, यूं खड़े होना है, मगर है ना, मगर जो आप इनसे डिमांड करेंगे पैसों की, वो आपको डिमांड अपनी मेहनत से मिलेगी। वो लड़कियां जो डिमांड करेंगी, वहां मटकियां देख रहे हैं आप लोग, उधर मटकियां लगी हुई हैं। अब कोई लड़की आके पकड़ो ना, रमशा आके पकड़ो। नहीं हम तो वो है ना, क्या हम तो दूल्हे वाले ना। अच्छा, दुल्हन वाले आओ। अब बिलाल पैसे रखे थे, वो तो भूल आई। चलो यही अब होगा ये आप लोग की हालत बता दी है। ये क्या बता रही है, पैसे लाए। अच्छा जी, अब आप लोगों को करना क्या है, मारिया मेरी बात सुनो, अब आप लोगों को करना यही है, मटकियां जो हैं इनमें से कोई भी मटकी चूज करनी होगी, ठीक है। और दुल्हा भाई से जब आप पैसे मांगेंगे, दुल्हा भाई आपको कहेंगे आप अपनी मर्जी की मटकी चूज करके तोड़े। जब आप मर्जी की मटकी चूज करेंगे तो उसमें से कुछ भी निकल सकता है, पैसे भी निकल सकते हैं, कोई और चीज भी निकल सकती है जो आपके काम की ना हो या हो, ठीक है। अब आपको खुद मेहनत करनी। सब नहीं बता हमने क्या क्या रखा। हाँ मैं नहीं बता, बिल्कुल नहीं क्या क्या रखा। चलो अब मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, तुम जाके अपनी मेहनत करो। ओके अंबर, आपने देखना कि बेईमानी ना करें, ये मटकियां तोड़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। वाले मुझे पता बेईमानी होगी। चलो भाई, दुला भाई आए, आपको साथ आना पड़ेगा। तोड़ दूं माजी में। ओके आगे चले भाई, मटकी की तरफ। ओके मारिया, कौन सी मटकी चूज करी है तोड़ने के लिए? सब एक एक करके तोड़ेंगे पहले। हाँ भाई, एक एक करके सब तोड़ेंगे, थोड़े से इस तरफ पीछे पीछे हो जाओ। ओके देखते हैं कि इसमें से क्या निकल के। अरे जान ही नहीं है दुल्हन वाले ने तो। हाय 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 हाय, गुल्लू उठाओ जरा, उठाओ मारिया, उठाओ तो सही। क्या निकला? बत्तीस है। ये मारिया फैशन के लिए गिफ्ट निकला है। आपको पता है बहुत महंगे बनते हैं, कदर करो उनकी। ओके जी, मटकी चूज करो। दिल चाहे जौन सी, छोटी बड़ी कौन सी? दिल चाहे जौन सी। तीन अटेम्प्ट होंगे, एक नहीं नहीं तोड़ी तो है ना, टूट गए नहीं तो। वाओ भाई वाओ। वाह जबरदस्त, साइमा के भी पैसे निकले। भाई उठा ले,
दिल वाले एक साथ जमा करके उठाना निकल गया तो दिल वाले मतलब बच्ची ही नहीं है लड़की की मटकियां में किसने डाले पैसे नींद से अच्छी ओके नेक्स्ट इकरा तुम्हारी बारी देखते हैं भाई साइमा के नसीब में तो पैसे आ गए करो इकरा तुम्हारी बारी यस 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 उठाओ इकरा क्या निकला ओ माय गॉड देखो हर चीजें की आसानी से नहीं होगी उसने दांत अंदर मुंह में डाल के दिखाने लोगों को ये क्या नहीं अब यहाँ से कौन आएगा यहाँ से किसकी किस्मत में पैसे निकलते हैं आ जाओ जल्दी आ जल्दी जल्दी फोड़ो फोड़ो उसको मटकी फोड़ो देखते ना सारे सारी नेक निकलनी है भाई क्या निकला उठाओ जरा सीटी निकली बजाओ थैंक यू और कौन अपनी किस्मत आजमाने आएगा देखो भाई सारे मेहंदी में इसी तरह होना चाहिए बारी बारी सब मटकियां तोड़ेंगे भाई साइमा की तो निकल गई ना पैर लगाओ समझो जैसे अपने बच्चों को मार दो दोपहर जब सोने नहीं देते हाँ क्या निकला क्या निकला कुछ तो होगा तुम्हारी किस्मत में चुहिया निकली हाय हाय अच्छा आप जाए हाँ आप तो एक साथ दो दो तोड़ सकती हैं बड़ा अच्छा नाश्ता करके आए ओके जी हाँ मुझे यही लग रहा है अपना चेहरा बचा क्या निकला कुछ तो निकला होगा उसके क्या है कुछ भी नहीं हवा निकली तो इसका मतलब दुल्हन वालों को पैसे मिल चुके हैं साइमा के नसीब से वो ये हम सब लाए थे इनके लिए वैसे हमने का क्या अच्छा भाई हमें तो प्रैक्टिस नहीं थी ना आप लगा के दिखा दें आप लगा के दिखा दें आप लेके आए अच्छा भाई दुल्हन की रस्म भी करनी है कि नहीं देर हो रही है ये आप क्यों बता रहे हैं पैसे नहीं दो आप प्लीज हम लोग दुल्हन वाले आप लोग के लिए एक चीज पेश करना चाहते हैं आप भी तो राजा दुल्हन अब हम दुल्हन की रस्म करेंगे और दुल्हन की भी इतनी प्यारी रस्म है जो मैं आप लोगों को भी बताने वाली हूँ हमारे पास टाइम है इतना कि हम दुल्हन की रस्म कर सके काम आएंगे ओके जी नेक्स्ट देखिए भाई आपने देखा होगा हर घर में ऐसा होता है कि दुल्हन को चूड़ी पहनाई जाती है चूड़ियाँ पहनाई जाती है तो हम आपको मौका ही दे रहे कहाँ गई वो बड़ी वाली रस्सी ये बड़ी वाली रस्सी कहाँ गई भाई ओके ये है वो रस्सी ये दुल्हन ने पकड़नी है एक सिरा दुल्हन ने पकड़ना है और दूसरे सिरे से चूड़ियां पहनानी है ठीक है दूसरे सिरे से बिल्कुल इस तरह जैसे मैं पहनाने जा रही हूँ कोई हेल्प करेगा खोलने के लिए मेरे एक हाथ बिजी है हाँ ये तो नहीं ये एक प्यारी सी रस्म है जैसे आप फूल पहनाते हैं वो सही तो रस्में होती हैं लेकिन साथ एक जैसे चूड़ी पहनानी है गाने हो जाएं आपके गाने हो जाए गाने भी हम लोग साथ साथ हाँ ना हाँ ना सब पे हो जाए तो कितना शौक है अच्छा मजा है क्या पे तो सारे शौक पूरे हो रहे हैं बहुत दिनों बाद हो रहे हैं मीम से गुड़िया लग रही है आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आज आप देख रहे हैं कि यहाँ मेहंदी हो रही है और वो भी लड़के की मेहंदी वैसे लड़के लड़की दोनों की मेहंदी होती है लेकिन अक्सर ऐसा होता है कुछ घरों में लड़के की मेहंदी सेपरेट होती है लड़की की मेहंदी सेपरेट होती है फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरी जब शादी हुई थी तो यासिर की
क्या के घर अलग मेहंदी हुई थी, मेरे घर अलग मेहंदी हुई थी. ये और बात है कि हमारी मेहंदी में वो घुस के आ गया था. हाँ, मैं नहीं गई थी लड़के की. लेकिन पता पहले यही होता था, जब मेरी भी शादी हुई थी तो यही था कि बसों में भर के जाए चले जा रहे अब तो एक ही फेस्टिवल होता है बस, के शादी हो गई. महंगाई इतनी हो गई है. तुम्हारी मारी तुम्हारी शादी में क्या हुआ था? अलग अलग मेहंदी साथ हुई, अलग अलग हुई थी. लेकिन फैसल लोग क्या, जब मेहंदी थी तो मुझे भी बुलाया था और वहाँ कुछ पता नहीं था कि दुल्हन को डांस करना है. मुझे लगता था पठान बच्चा डांस कर रहा है घेरे वाली फ्रॉक में, नो मेकअप, गोरी चिट्टी लड़की. नहीं, वहाँ मुझे आइडिया नहीं था कि डांस के लिए उठा देंगे. हाँ. लेकिन अब उठाएं तो इज्जत के लिए कुछ तो करना था ना. तो कुछ तो करना था, ये लोग ले जाके हाथ से खड़ा कर दिया कि डांस करना है. हाँ. तो अब जितना आता तो पठान बच्चा उतना ही करेगा ना. तो ऐसा ऐसा ग्रूम होता है. हाँ. मेहंदियों में ये चीज होती है. अच्छा, क्या होता है कि जबरदस्ती जो बाकी रिश्तेदार है ना वो पर्दा करा रहे होते हैं. चलो चलो, नहीं नहीं दुला के उसको शक्ल ना दिखा, घूंघट लो, घूंघट लो. ये होता है ना हर घर में ये चीज. मुझे नहीं आता डांस. मुझे तुम्हें ना डांस आता है, तुम्हें ना मेकअप आता है, ना गाना आता है. तुम आए क्यों हो यहाँ? हंगामा करने, चीटिंग करने, उकसाने, गुस्सा दिलाने, गुड़िया बोलने. अच्छा, और जैसे अक्सर ऐसा होता है स्कूल में जो यंग बच्चियां होती हैं उनके जाहिर नेल्स नहीं बढ़ने देते, नेल्स कटवा देते नाइन्थ मैट्रिक की जो लड़कियां होती है, और बहन की शादी सर पर है. और अब क्या करें, अब तो चलो एक्रेलिक्स आ गए हैं. लेकिन पहले तो बहन की शादी सर पर है. नेल कटर होता है, घसीट घसीट के नाखून बाहर निकाल लेते हैं. अपील करते हैं, इतना नहीं करवाना चाहिए कि बिल्कुल ही काट दो. हाँ, हालात है. मैं भी कहती हूँ वैसे ही नहीं बनने, मैं खुद खा जाती हूँ इसलिए वो भरते ही नहीं. एक्रेलिक्स है ना, वो इस्तेमाल करें. मैं नेल्स की बात इसलिए करी क्योंकि अभी हम इतनी मजे की एक्टिविटी कराने वाले हैं जो कि आप चाहे जाहिर उपटन जब खेलते हैं तो एक दूसरे को गंदा भी करते हैं. हाँ. मगर मेहंदी में इस तरह की चीजें नहीं होती. हमने हाथ दिया हुआ है और कल हमने मेहंदी लगवाई थी उस हाथ पर. हाँ. आज उस हाथ पे नेल पेंट करना है, नेल कलर लगाना है. अच्छा. तो टीम जो है दुल्हन की और दुल्हा की सबसे गंदा काम है. मैं मुझसे नहीं लगता टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है इधर उधर. तो बस आज तुम हार गए, हार मान ली. नहीं, चीटिंग करते हैं वो हारते नहीं है, पूरी कोशिश करते हैं लेकिन बाद में आप लोगों ने नेल आर्ट करना है. यहाँ दो दुल्हन के हाथ है, देखते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छे दुल्हन के हाथ को कौन ज्यादा सजाता संवारता है. तो चलो टीम आओ, दुल्हा वाली और दुल्हन वाली टीम चलो सब मिलकर करें. अच्छा, क्या करेंगे ये आप लोगों की? जाओ सब मिलकर करेंगे, लड़के भी कर सकते हैं. लड़के लड़कों की भी ड्राइंग अच्छी होती है. तुम क्या कर रहे हो, क्या कोई आइडिया ले रहे हो मोबाइल? नहीं नहीं नहीं, मैंने सोचा. ओ काफी पतले हैं. हाँ, ताकि आप ज्यादा गाड़े गाड़े होंगे तो मसला होगा ना. ये अच्छा है, ओके. हमारा अच्छा, इस तरफ को थोड़ा खड़े होंगे ना ताकि नजर भी तो आए कि नेल पेंट हो कैसे. जगह हमारा शॉट भी ये होगा तो जाहिर है बैक ही आएगी. हाँ, आप लोग भी थोड़ी सी जरा नेल्स को तो दिखाएं कि नेल पेंट हो कैसे. वाओ, अच्छा एक कलर करने के बाद फिर उसपे बाद में पेंटिंग होगी. ये देखिए ना, मेहंदी में थोड़ी देखिए खामोशी होनी चाहिए. सारे लोगों को किसी काम पे लगा दो है ना, वरना इतना शोर होता है कि आवाजें बैठ जाती है सारे लोगों. ओए 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 ओए, यार डिजाइनिंग हो रही है भाई. नहीं मिटाएंगे कैसे? टिश्यू पेपर से मिटा सकते हैं? टिश्यू पेपर दूंगा आपको मैं. ये जी जी जी. ओए ओए, तुम लोगों ने कवर कर लिया, हम शॉट कैसे बनाएंगे? शॉट तो बनाने के लिए जगह दो. साइमा दुल्हा दुल्हा जो है वो हम पूरा मौका फराहम करते हैं मेहंदी में दुल्हा दुल्हन को कि वो आपस में बातें करें, जरा बिजी हो बाकी सब है ना, बातें करें जरा. हाँ अच्छा, और जज जो है ना हमारी, मैं नहीं हूँ, हमारी दुल्हन जज, दुल्हन जज करके बताएंगे कि कौन सा अच्छा नेल आर्ट हुआ है. क्या दुल्हा वालों ने ज्यादा अच्छा नेल आर्ट किया है या दुल्हन वालों ने अच्छा नेल आर्ट किया, वो दुल्हन का फैसला है. कुछ एक जैसे ही दोनों हाथ लग रहे हैं. चीटिंग हो रही है, चीटिंग. यस, नेल आर्ट.
नील पेंट, जोर से गाना होना चाहिए पीछे बैकग्राउंड में। तो उन्होंने फौरन ऊपर बनाना शुरू कर दिया, चीटिंग, यहीं पर ही हार चुके हैं, हार गए वो लोग। हमने ऊपर मेहंदी लगाई तो फौरन उन्होंने भी लगा दी। वाह भाई वाह, इनका दिमाग तोड़िए पत्थर के लोग। पहले नींबू चाट रहे दुल्हन जज है, दुल्हन जज करेगी और वो बताएंगे कि किसने ज्यादा अच्छा नेल आर्ट किया है। और तकरीबन एक ही जैसे हो रहे हैं तो मैं परेशान हो रही हूँ, क्या होगा? हिलाओ नहीं, हिलाओ नहीं, इसके फूलों से टच हुआ होगा। भाई दुल्हा दुल्हन से थोड़े से सवाल हो जाए जब तक ये बातें हो रही है। चीज क्या होती है मेहंदी की दुल्हा की नजर में? मेहंदी की रस्मात में मजा आता है, स्पेशली जो सिंगिंग कंपटीशन होता है, हाँ, टीम्स बनी हुई होती है, उसमें बहुत मजा आता है। फिर जो डांसिंग कंपटीशन है, ऑब्वियसली दैट्स वेरी नाइस। और दुल्हन के लिए क्या अच्छी चीज होती है सबसे ज्यादा? सबसे अच्छी चीज मुझे लगता है रस्में जो हो रही होती है, रस्मों में मजा आता है, वो होनी चाहिए, ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। बिल्कुल भी, चाहे मेहंदी आप कितनी भी बड़ा इवेंट करें, लेकिन रस्में होनी चाहिए, रस्में होनी चाहिए, रस्में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो दुल्हन को वो इम्पोर्टेंस, वो जो एक प्रिंसेस वाली फील है वो उससे ही आती है, वीडियो बनती है तो अच्छा लगता है कि दुल्हन के हाथ में। अब जाहिर है जब आप कुछ सालों बाद अपनी वीडियोस देखते हैं, क्या हो रहा है, क्या क्या, अच्छा वो बेमानियां हो रही है, जब कुछ अरसे बाद आप अपनी वीडियोस देखते हैं तो वही चीज है ना, आपको बड़ी अच्छी लगती है। पता नहीं कौन कौन सी ऐसी, बहुत सारी बड़े उम्र की आपके रिश्तेदार भी होते हैं जो जब आप वीडियो देखते हैं तो वो जिंदा नहीं होते, इस दुनिया में नहीं होते, तो आप दीदा हो जाते हैं उनको देखकर। क्या है, वो भी आई थी हमारी मेहंदी पे, वो भी आई थी हमारी शादी पे। क्या हो रहा है, नेल आर्ट हो रहा है कि सांप आर्ट हो रहा है? अच्छा अब बस लास्ट मिनट है, जो मैं आप लोगों को कहने वाली हूँ कि नेल आर्ट खत्म हो गया है। हाँ लास्ट मिनट है, ओके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जी दुल्हन देखिए खत्म हो गया, और क्या खत्म हो गया, बस खत्म हो गया। मैं बताऊं, दुल्हन ने चूज किया है अपने घर वालों को, हाँ दुल्हन वालों को जनाब। ये था हमारा आज का शो और इसमें ज्यादातर, हालांकि लड़के की मेहंदी थी मगर ज्यादातर जो जीतने वाले टीम थी वो वाजिद की टीम रही, क्योंकि ये बहुत बेमानी करता है। हाँ भाई आज की आज है ना, आज लड़के की मेहंदी थी, अब कल हम क्या करने वाले हैं ये आपको कल ही पता चलेगा। तो हमें इजाजत दीजिए, रंगारंग तकरीब यहाँ इख्तिताम, इख्तिताम ही कहते हैं ना, इख्तिताम को पहुंची, खुदा हाफिज। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के खपा